Shalom. Today I am going to explain about the victorious war of Israelites. प्राचीन काल में हिवी, खनानी और हित्ती सबसे लंबे व्यक्ति थे। इज़राइल उनसे डरता है। परमेश्वर ने मोशे से कहा, वह उन्हें मारने के लिए तदेया भेजेगा। Exodus 23 chapter 28 verse. केनान वासी गुफाओं में छिपे हुए थे, कुछ भाग गए थे, हारा हुआ, अन्य लोग गुप्त स्थानों पर थे। भगवान ने मोशे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इज़राइल यात्रा में थे, वे खनानी लोगों के अधिक निकट थे। मोशे ने इज़राइलों के आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। Deuteronomy 7 chapter 21st verse, Yehoshua 23rd chapter 11-12 verses, Yemori, Perizzi, Girgashi और यबूसी अन्य जाति थे। क्रूर लोग, बुतपरस्त उपासक, मानव बलि परंपरा थी। भगवान ने कहा, उसने उन्हें हारने के लिए ततेया भेजी। परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों को सौंप दिया। यह उनकी तलवार था, उनके धनुष से नहीं था। दो राजाओं पर ततेया ने हमला कर दिया। ततेया के साथ महान विजय। गिनती 13 चैप्टर 31-32-33 वेसेस। भेड़ियो ने कहा, कनानी लोग दिग्गज थे, नेफिलियन वहां थे। उस देश में अनाक जनजाति थी। इसराइली टिड्डियों के समान थे। एमोरियाटस सबसे ऊंची जाति थी। हम नहीं जीतेंगे, खनानी हम हरा देंगे। कानान में प्रवेश करने में भय का यही कारण है। इसराइली 40 वर्ष तक जंगल की यात्रा करने रहे, इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, वह दिग्गजों को मारने के लिए ततेया भेजेगा। हॉर्नेट को हिब्रू भाषा में तजरह कहा जाता है, डाबर भी। जहरीले ततेया मध्य पूर्व में थे, वे गुफाओं, भूमिक्त स्थानों और बीलों में रहते थे। यहोवा के गुप्त हथियार इसके डंक से शिकार और दंसाने की भी मौत हो जाती थी। सबसे दर्दनाक इसके जहर में बड़ी मात्रा में 5% एसिटाइल कोलोनी होता है। इसमें विषाक्तता, यह इलाजी और घातक मल्टीपल अंगों की विफलता का कारण बनता है, सदमा भी देता है। ततेया में 3 जैविक रूप में सक्रिय रसायन, 2 पंचकोण सामान्य है। आक्रामक मनोदशा में आइसोइलिन अल्कोहल, 1 मिथाइलु बुलिनोइट जारी करेगा, बहुत खतरनाक। डेड हॉर्नेट फेरमोन्स छोड़ेगा। यदि यह कपड़ों के छू जाए तो ततेया अधिक खतरनाक हो जाएंगी। यह आंखों को घायल कर देगा। यह कच्चे खून का मांस खाएगा। इस प्रकार कनानी राजा ततेया के डांग से मर गए। इसने उनका मांस खा लिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया। हालेलुया, हालेलुया।